सो गाइज, अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं एक वीडियो में बोला था कि मैं एक बंदे पर पुलिस केस कर दिया हूँ। मैं उस वीडियो को बनाए हुए कुछ दिन हो गया, लगभग 1 मंथ हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, बट इस समय उसका फाइनली रिजल्ट आ गया है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं पुलिस केस क्यों किया था, किस बंदे पर किया था एंड सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाला था। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। आज मैं लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलूँगा, सीधे आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दी कि मैं एक बार वीडियो बनाया था कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। मैं वीडियो बना दिया था स्पॉन्सर वीडियो, उसके बाद उस बंदे ने कंपनी से पैसा लिया था, उसके बाद वो बंदा मुझको ब्लॉक कर दिया। ये हुआ था मेरे साथ, बहुत ही बार हो चुका है, बट इस बंदे के साथ मैं ऐसा किया हूं ना, वो जिंदगी भर याद रखेगा। यार आप लोग थोड़ा सोचिए कि अगर आप मुझसे वीडियो बनाते हैं, कंपनी से आप पैसा ले लेते हैं, उसके बाद मुझे ब्लॉक कर देंगे, तो ये बात सही है, एकदम गलत बात है कि नहीं? सेम इसी तरह इस बंदे ने मेरे साथ किया है, तो मैं इसके साथ क्या किया हूं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है? उस तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बंदे ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, उसी के वजह से मैं इसके ऊपर पुलिस केस किया हूं। नहीं तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था, नहीं इसका एड्रेस था, ना ही नाम था, तो मैं किसके ऊपर पुलिस केस किया इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जैसे ही मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना लिया, उसके बाद उस बंदे के पास मैं भेजा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही मैं उसको भेजा, वो बंदा कहा वेट, कुछ देर वेट किया मैं, उसके बाद मैं बोला कि भाई पेमेंट क्या हुआ पेमेंट का, तो भाई वो बोला कि भाई वीडियो अप्रूव हो गया है, पेमेंट होने में टाइम लग रहा है। तो मैं थोड़ी देर वेट के लिए, उसके बाद मैं बोला कि भाई इतना देर हो गया यार, मुझे पेमेंट चाहिए, पेमेंट भेज दो मेरा। तो भाई उस बंदे ने जाते हुए क्या कहा कि भाई अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अपना पेमेंट डिटेल कंपनी को भेजाऊँ। वो बंदा क्या गलती करता है, पेमेंट डिटेल है वो गलती से स्क्रीनशॉट मार कर मुझको भेज देता है कि देख लीजिए मैं कंपनी को जाऊं, वो जैसे ही पेमेंट करेगी तो मैं आपको कर दूंगा। तो मैं जैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर रखता हूं ना, वो तुरंत डिलीट कर दिया पेमेंट डिटेल। मैं सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें, इसलिए मैं कहा कि भाई मैं वीडियो जा रहा हूं डिलीट करने, अब जल्दी से मेरा पेमेंट करो। तो वो बंदे क्या करते हैं जानते हैं, डायरेक्ट ब्लॉक। इसके बाद कोई बात नहीं, तो मैं दूसरे नंबर से उस बंदे के पास कॉल करता हूँ कि भाई मेरा पेमेंट कर दो यार, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाया, इतना मेहनत से वीडियो बनाकर आपको मैं भेजा, तो आप मेरा पेमेंट नहीं करोगे यार, मेरा पेमेंट लेकर भाग गए। तो भाई वो क्या करता है कि भाई जो मन करे वो कर लो, मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कितना में डील हुआ था। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि भाई कितने में डील हुआ था, ये तो बता दो। मेरा डील हुआ था 8,000 में, मतलब 8K में मेरा डील हुआ था उस बंदे से। मेरा उस समय व्यू जाता था 5K, 7K, 8K इस तरह, तो मैं उससे 8,000 में डील किया था। उसके बाद वो पैसा रख लिया, उसके बाद मैं देखा कि उसमें उसका नाम भी था, उसके पापा का नाम था, ठीक है? वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मंगा रहा था, वो अपने पापा का बैंक अकाउंट में पैसा मंगा रहा था, तो इसीलिए उसके पापा का सारा डिटेल मेरे हाथ लग गया। उसी डिटेल पर मैं पुलिस केस कर दिया था। आज उस बंदे का मेरे पास कॉल आया कि भाई आपका मैं पेमेंट कर रहा हूं, आप अपना फोन पे नंबर दीजिए। मैं सुनकर इतना ज्यादा खुश हुआ ना यार, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार। आप लोग थोड़ा सोचिए कि कंपनी से वो 8,000 लेकर पैसा बैठ गया था, मुझे ना पेमेंट किया ना ही वीडियो पब्लिश करा पाया वो। गाइस थोड़ा सोचिए, अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस कर देता है तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा। वैसा आप काम मत कीजिएगा कि आपके ऊपर पुलिस केस हो। एंड बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि फ्रॉड भी कर रहे हैं, बस पैसा ले रहे हैं, उसके बाद कंपनी को ब्लॉक कर दे रहे हैं एंड यूट्यूबर को ब्लॉक कर दे रहे हैं। सो गाइस, अगर आप ऐसा गलती करोगे तो आपके ऊपर भी पुलिस केस हो सकता है। मैं नहीं करूंगा तो दूसरा यूट्यूबर भी तो कर सकता है यार। तो आपसे कहना चाहूंगा, फ्रॉड काम जिंदगी में भूल कर भी मत कीजिएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ ना ही कुछ कह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि प्लीज आप कभी भी फ्रॉड काम मत कीजिएगा कि कंपनी से पैसा लेकर यूट्यूबर को ब्लॉक कर दूँ, कंपनी को ब्लॉक कर दूँ। प्लीज, यूट्यूबर का भी मेहनत लगता है, कंपनी भी अपना पैसा लगा रही है यार, आप ही लोग थोड़ा सोचिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।